प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, जलन की अगुवाई में ना चलें। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4:8 में लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। मेरे प्रियो, जब जलन आपकी अगुवाई करेगी तो फिर परमेश्वर के फल आपके जीवन में नहीं होंगे और न ही आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की आशीषें आएंगी, क्योंकि जलन शैतान की ओर से है। जब आपके अंदर जलन आती है तो आप उसी की अगुवाई में चलते हैं, फिर आप अपनी आशीषों को खो देते हैं। बाइबल में जब हम कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि कैन और हाबिल दोनों भाई थे और वह दोनों यहोवा परमेश्वर के पास भेंट लेकर गए। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार किया पर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस बात के कारण कैन के अंदर जलन हुई कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया और हाबिल की भेंट को क्यों स्वीकार किया। तब हम उत्पत्ति 4:8 में पढ़ते हैं कि फिर कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा और जब वह खेत में थे तब ऐसा हुआ कि कैन ने अपने भाई हाबिल को पकड़कर उसे मार डाला और यहोवा की तरफ से उसको श्राप मिला। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू धरती पर भगोड़ा बनकर रहेगा। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसकी अगुवाई जलन ने की। मेरे प्रियो, अगर आप किसी के साथ जलन रखते हैं तो आप परमेश्वर से बहुत दूर हों, क्योंकि जब जलन आपकी अगुवाई करती है तो फिर आपकी प्रार्थना का भी उत्तर नहीं मिलता, पर जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तो फिर आपको कोई भी नीचा नहीं कर सकता। बाइबल में अगर हम ध्यान से कैन और हाबिल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि कैन खेती बाड़ी करता था और हाबिल चरवाहा था। जब वह यहोवा के पास भेंट लेकर गए थे तो उस समय हाबिल भेड़ बकरियों के पहलोठों बच्चे को लेकर गया था, पर कैन अपने खेत की उपज में से कुछ लेकर गया था। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था क्योंकि उसने अपने पशुओं के पहलौठे परमेश्वर को दिए थे। मेरे प्रियो, कैन ने उस समय अपनी गलती नहीं मानी और न ही उसने यह कहा कि मैं भी अपनी भाई की तरह यहोवा परमेश्वर को अपना भाग दूंगा। वह जलन की अगुवाई में चला। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों की आशीष को देखकर जलन करते हैं पर यह नहीं देखते कि वह भाई परमेश्वर के साथ कितना वफादार है। वह भी उसी के जैसा काम शुरू कर देते हैं पर वह आशीषित नहीं होते, क्योंकि वह उस काम को परमेश्वर की अगुवाई के साथ नहीं बल्कि जलन की अगुवाई के साथ शुरू करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जलन की अगुवाई से नहीं बल्कि परमेश्वर की अगुवाई से चलें, फिर आप अपने आशीष को हासिल कर पाएंगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमेन। यह घोषणा पास्टर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इन वचनों को पढ़ या सुन रहे हैं, इनके जीवन की अगुवाई जलन नहीं बल्कि परमेश्वर आपके पवित्र वचन करें और यह अपनी आशीष को ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। आमेन।